तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे लुकिज्म के एपिसोड 4 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में पार्किंसन की माँ उसके रूम में आती है जहाँ पे उसकी ओरिजिनल बॉडी सो रही थी, और जब ह्यूंस स्कूल से वापस आता है तो अपनी माँ को देख के बहुत सरप्राइज हो गया था। बट स्टिल वो एक्सक्यूज बनाता है कि ह्यूंस का दोस्त था और साथ में रहते हैं रेड बचाने के लिए, और वो उसे कहता है ह्यूंस को ना उठाने को, एज ह्यूंस रात को पार्ट टाइम जॉब करता है और जॉब में जाने से पहले हमेशा इस तरह से सोता है। और चीज़ सुन के उसकी माँ सॉरी फील कर रही थी, बट सेम टाइम पे अपने बेटे पे प्राउड भी थी। तो अपने बेटे को सोइन देती है और मेन टाइम में अपने बेटे के फ्रेंड से बात करती है। तो ह्यूंसुक उसे कैफ़े में ले जाता है जहाँ पे बॉस का दोस्त ब्योम जो काम करता था, तो वहाँ पे वो कॉफ़ी पीना स्टार्ट करते हैं। बस्टिल उसकी माँ उसके बेटे के बारे में सोच रही थी, एज उन्हें कभी भी इतने एक्सपेंसिव ड्रिंक नहीं पीती हैं, तो चाहती थी कि उसका बेटा भी चीज़ ट्राई करे। और इसके बाद ह्यूंस उसे बताता है कि उसका नाम भी पार्क ह्यूंग सुकी था, और उसकी माँ इस चीज़ को एक कोइंसिडेंस समझ के इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उसके बेटे का इतना अच्छा दोस्त था। और वो उसे अपने बेटे के बारे में बताना शुरू करती हैं कि कैसे वो प्राउड थी उसकी सिंगिंग एबिलिटी पे। और इसके बाद बॉस को ही वहाँ पे आता है और ह्यूंग सुक को देख के वो उसे फाइट करना चाहता, पर उसका दोस्त ब्योम जो उसे कहता है कोई भी सीन क्रिएट ना करने को, एज अभी ह्यूंग सुक अपने दोस्त की माँ के साथ में था। और ह्यूंग सुक और उसकी माँ के बाद से बॉस को फिगर आउट कर लेता है कि क्रीम स्टोर में काम करने वाले पार्ट टाइमर की माँ थी, और ह्यूंग सुक की माँ ह्यूंग सुक को जो कि अभी अभी नई बॉडी में था उसे बताती है कि ह्यूंग सुक को बचपन से बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाई थी, और इसलिए उसके अकॉर्डिंग एक टेरिबल मदर थी जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं था। और इससे ह्यूंग सुक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, बट फिर भी वो उसे कुछ नहीं कह पा रहा था एज अभी वो अपनी नई बॉडी में था। तो अपनी माँ को काम डाउन करने के से बताता है कि ह्यूंग सुक अपने दोस्तों के साथ में सही से रह रहा था और उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट बॉस को पता था कि अभी बुली हो रहा था और ह्यूंग सुक भी उसे एज अ स्लेव ट्रीट करता है। बट फिर भी अपने गुस्से पे काबू रखता है, एज ह्यूंग सुक की माँ बहुत ज़्यादा खुश थी कि ह्यूंग सुक का इतना अच्छा दोस्त था, लेकिन ह्यूंग सुक बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था एज वो अभी तक अपनी माँ को सही समझ नहीं पाया था और हमेशा उसके लिए रूडली बिहेव करता था। और अब उसकी माँ का टाइम भी हो चुका था वापस जाने का, और जाने से पहले वो ब्योम जो से पूछती हैं क्या कुछ क्रैब बॉक्सेस ले सकती हैं, एज उस क्रैब बॉक्स को बेच के कुछ पैसे इकट्ठा करती थी, और एक चीज़ उसका पार्ट टाइम जॉब था ताकि अपने बेटे को ज़्यादा पैसे सेंड कर सकें, और यहाँ तक कि वो ह्यूंग सुक को कॉफ़ी के पैसे भी देती है। एज वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ह्यूंग सुक का पहली बार कोई दोस्त बना था और वो चाहती थी कि वो साथ में सही से रह सके, और कहती है ह्यूंग सुक को उसके पार्ट टाइम जॉब को एक सीक्रेट रखने का। और इस पर ह्यूंग सुक एग्री करता है और उसे कहता है ज़्यादा चिंता ना करने की। जब से ह्यूंग सुक अपनी माँ से दूर रह रहा था तब से ह्यूंग सुक अपनी माँ को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा था, और उसकी माँ अपनी ट्रिप से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी एज वो देख पाई थी उसके बेटे का फाइनली एक फ्रेंड बन चुका था। और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन ह्यूंग सुक बहुत ज़्यादा रो रहा था एज वो फाइनली अपनी माँ को समझना स्टार्ट कर चुका था। बट बॉस को इस पूरी चीज़ को मिसअंडरस्टूड करता है, एज उसे लगता है कि ह्यूंग सुक पार्ट टाइम को यूज़ करके उसकी माँ से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहा था, और वो उसे एक सुनसान जगह ले जाता है ताकि उसे वहाँ पे पीट सके। एज उसके अकॉर्डिंग ह्यूंग सुक बहुत ज़्यादा बुरा आदमी था जो ना सिर्फ पार्ट टाइमर को बुली कर रहा था पर उसकी माँ से भी झूठ बोल रहा था, और वो कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, और वो उसे अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन ह्यूंग सुक उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था और उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि बॉस पोस्ट पर अटैक क्यों कर रहा है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता, लेकिन बॉस को कुछ भी सुनकर राज़ी नहीं था।
एज वो चाहता उसे पैसे लेके पर टाइमर को पैसे वापस करना। लेकिन अब इस चीज़ को यूंगसुक मिसअंडरस्टूड करता है और से लगता है कि बॉस को बस पैसे चाहिए थे और वो और बुली से बिल्कुल डिफरेंट नहीं था और यूंगसुक इन पैसों देना नहीं चाहता एज ये पैसे उसकी माँ ने उसे दिए थे और अब वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऑल दो यूंगसुक बॉस के सभी अटैक को डॉच कर रहा था, लेकिन जब वो ट्राई करता है उसे अटैक करने का, उसी सेम अटैक से जिसने यूंगसुक को नॉकआउट किया था उसे बॉस को बड़े आराम से डॉच कर लेता है एज वो हमेशा ट्रेन करता रहता था। और अब यूंगसुक को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, बट तभी उसे याद आता है कि यूंगसुक ने उसे एक बार सिखाया था कि स्ट्रेट पंच कैसे मारते हैं और वो स्ट्रेट पंच को एमुलेट करता है, बट इसे भी बॉस को इवेड कर देता है, बट स्टिल बॉस को नॉकआउट हो जाता है यूंगसुक के एल्बो अटैक से। लेकिन उसका दोस्त ब्योंग जो वहाँ पे आता है, यूंगसुक वहाँ से चले जाता है और वो बॉस को भी अपनी हार एडमिट कर चुका था। लेकिन ब्योंग जो को विश्वास नहीं हो रहा था कि बॉस को वहाँ पे हार गया था और वहीं रात को यूंगसुक अपनी ओरिजिनल बॉडी में था और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने बॉस को डिफीट कैसे किया था। एज उस मोमेंट पर उसकी बॉडी अपने आप मूव करी थी और तभी बॉस को क्रीम स्टोर पर आता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसके पैसे वो वापस नहीं कर पाया और उसे कहता है कि एक वीकलिंग नहीं था और उसे ट्रेन करना चाहिए, बट यूंगसुक को समझ नहीं आ रहा कि जस्ट अभी क्या हुआ था। लेकिन स्टिल वो उसके वर्ड से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था और वो भी अब स्ट्रांग होना चाहता है तो पुशअप करना स्टार्ट कर देता है, बट तभी वहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी आती है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्बेरस था। लेकिन वो लेडी उसे बहुत ज़्यादा नाइसली ट्रीट कर रही थी और उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करती है और वो उसके लिए चीयर कर रही थी और इस चीज़ से यूंगसुक और ज़्यादा मोटिवेट हो गया था। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं जाय योल को और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि वो बहुत ज़्यादा रिच था और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और इसको देख के विरोस कंग की याद आ गई थी। अगर आपने स्टोरी देखी है तो वो पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यह दोनों में एक ही मैसेज था कि मैं अपने बेटे से सबसे प्यार करती हैं और उसके लिए हमेशा बेस्ट करना चाहती हैं, जो कि सेम केस था इस एपिसोड में भी। लेकिन यूंगसुक हमेशा उसे मिसअंडरस्टूड करता है, लेकिन फाइनली नई बॉडी में उसे समझना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं बॉस को और यूंगसुक को जो कि एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करते हैं, लेकिन बॉस को हमेशा सही के लिए लड़ता है। और लास्ट में हम देखते हैं एक ब्यूटीफुल लेडी को जो कि यूंगसुक को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, जैसा उसे किसी ने भी ट्रीट नहीं किया था, और इसका रीज़न हमें लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो बिल्कुल इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनारा। करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।